तो देखते हैं प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दो कि प्राइम नंबर मतलब क्या पता है आपको प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं सुना है कभी ये शब्द कि पहली बार जो वन या क्या वेरी गुड जैसे ऐसे नंबर्स जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या तो खुद से ही डिवाइड होते हैं इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं जैसे कि ये वाला नंबर ना तो टू से डिवाइड हो सकता है ना थ्री से ना फोर से ना फाइव से और ना ही सिक्स मतलब वो वन से हो जाएगा इसीलिए वन से तो हमें देखना ही नहीं है और दूसरी चीज़ है सेवन सेवन से खुद से तो हो जाएगा और ऐसा कोई नंबर जानते हो आप और कोई नंबर आप जानते हो ऐसा थ्री है फाइव है इलेवन है थर्टीन है सेवनटीन है नाइनटीन है ट्वेंटी वन तीन के टेबल में आता है सेवन के टेबल में आता है ट्वेंटी थ्री ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे अब पहले तो हमें ये पता करना है कि हम कीबोर्ड से कोई नंबर एंटर करेंगे क्या वो प्राइम है या नहीं ये पता लगाएंगे हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे जिससे हम ये पता करेंगे कि क्या वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं है ये पता करने का हमें प्रोग्राम बनाना है अब आते हैं आगे आखिर में कैसे हमें तो पता चल जाता है क्योंकि हम थोड़ा सोच लेते हैं अंदाजा लगा लेते हैं लेकिन हम हमेशा अंदाजा लगा पाएंगे ऐसा नहीं है जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे तब अंदाज़ा नहीं तीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं पाँच का लगा सकते हैं सात का ग्यारह का ऐसे कुछ छोटे नंबर्स का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे जैसे मैं वन जीरो डबल वन बोल दूँ या फिर और बड़े हो जाएंगे तब हमें ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर हम दो से डिवाइड करके चेक करेंगे फिर तीन से करेंगे फिर चार से फिर पाँच से ऐसे हम बहुत सारे नंबर से चेक करेंगे डिवाइड करके तब हम ये तय कर पाएंगे हम खुद भी जब हमें खुद को डिवाइड करना पड़ रहा है हम सोच नहीं पा रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में जब लिखोगे तो कंप्यूटर को भी आ, ऐसा कुछ कराना पड़ेगा डिवाइड करके चेक कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा तो अभी हम आते हैं उसके ऊपर कंप्यूटर से क्या कराएंगे हम अगर सात एंटर करेंगे ना तो दो से भी डिवाइड करके चेक करेंगे तीन से भी चार से भी पाँच से भी छः से भी किसी से नहीं हुआ तो बोलेंगे प्राइम अगर नहीं हुआ तो प्राइम अगर किससे भी बीच में हो गया तो बोल देंगे नॉट प्राइम प्रोग्राम ख़त्म मतलब अगर मैंने नौ एंटर किया होता तो भी हम दो से डिवाइड करेंगे नहीं हुआ तीन से करेंगे हो गया बात ख़त्म तुरंत बोल देंगे नॉट प्राइम बात ख़त्म हो गई हम आगे डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्या ज़रूरत है चार से करने की जब एक बार पता चल गया ना आपको कि ये डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी है चार से चेक करो पाँच से करो छः से करो सात से हो सकता बाद में किसी से ना हो उससे अच्छा एक बार भी अगर वो डिवाइड हुआ किसी नंबर से तो वो प्राइम नहीं है नॉट प्राइम है ये मतलब आप सेवन को डिवाइड करोगे किस से टू से पता करोगे जीरो आता है क्या फिर सेवन को डिवाइड करोगे थ्री से उसका रिमाइंडर जीरो आता है क्या मॉड क्यों लिख रहे हो रिमाइंडर जानना चाहते हो इसलिए फिर सेवन को डिवाइड करोगे मॉड करोगे चार से क्या जीरो आता है फिर सेवन को मॉड करोगे पाँच से क्या जीरो आता है फिर सेवन को मॉड करोगे छः से क्या जीरो आता है नहीं आया तो आप बोल सकते हो क्या प्राइम है लेकिन अगर आपने एक सौ एक एंटर किया तो क्या सौ तक डिवाइड करना है हाँ सौ तक ही करना है कहाँ से दो से लेके सौ तक आधे पे तो रोका जा सकता है उसके बाद तो नहीं होने वाला है हमें भी पता है अब कोई भी नंबर होगा जैसे सिक्स है इसका आधा कितना होता है तीन इससे बड़े नंबर से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता चार से होगा नहीं एक बार मौका है तीन या तीन से कम से हो सकता है दो से भी हो सकता है लेकिन चार से नहीं पांच से नहीं छह से तो जोड़ना करना ही नहीं क्योंकि वो खुद है वो तो देखा जाए तो हमें इतना तो पता है कि अगर सौ एंटर करोगे चेक करना है तो हम पचास के बाद ना डिवाइड करें तो भी चलेगा 51, 52 लेकिन अभी ऐसा कुछ मैं करने नहीं वाला हूं सौ तक करवाऊंगा डिवाइड नाइनटी तक अगर टू से ही डिवाइड हो गया सौ तो बात खत्म ब्रेक करवा दूंगा अभी मैं लूप लगाऊंगा क्या ये मैं बार बार थोड़ी लिखते बैठने वाला हूं सौ नंबर होंगे तो क्या सौ बार लिखूंगा नहीं हजार नंबर होंगे तो क्या हजार बार लिखूंगा नहीं लिखूंगा तो एक ही बार चलाऊँगा सौ बार चलाऊंगा हजार बार चलाऊँगा सात लेकिन मैं लिखूँगा नहीं इतनी बार क्योंकि फॉर्लूप है ना आप आय को कहाँ से शुरू करोगे दो से क्यों पता है? वन से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं तो दो से करो आय को कहाँ तक ले जाओगे जितना वो नंबर है वहाँ तक तो आय को शुरू करो दो से ले जाओ सात तक आय प्लस प्लस सात तक मतलब छह तक ही चलेगा और यहां पे दो तीन चार पांच छह मत बोलो आय ना क्यों आपका आय भी तो दो है तो आय बोलो अगली बार आय बढ़ के तीन होगा ठीक है ना अब ये लाइन एक जैसी लग रही तो क्यों बार बार लिख रहे हो एक ही लाइन लिखो ना और आपने ये सात को भी तो किसी मेमोरी में रखा होगा रखा होगा कि नहीं तो आप यहाँ सात क्यों लिख रहे हो एक्स लिखो ना सेवन को एक्स में रखा है तो यहां एक्स लिखो कल को आप एक्स में फिफ्टीन रखोगे तो फिफ्टीन कंसिडर होना चाहिए सात लिख दोगे तो कैसे कंसिडर होगा इस बात का भी ध्यान रखना मिल गया ना मैं इफ लगा दो इफ ये लिखना पड़ेगा कोड देखते हैं आते हम अपने प्रोग्राम पे शुरुआत तो करते हैं प्रोग्राम की स्टेप्स कैसी है वो देखो किस तरीके से प्रोग्राम शुरू होगा हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा वो देख ईजी है बहुत टफ नहीं लेकिन थोड़ा आपको लगेगा बाद ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का यहाँ पे एम फाइल फाइल सेव एज इसको मैं अपने उसी फोल्डर में रखना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने सारे प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ अपने इसी फोल्डर में और इसका नाम देने वाला हूँ प्राइम नंबर डॉट सी मेन यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ प्रोग्राम ख़त्म होगा देखे कैसे किया मैंने ये तो आपको भी आता है इतना आपको पता है हर प्रोग्राम में यही लिखना पड़ता है स्क्रीन पे आप खुद सोच के देखो एक आउटपुट स्क्रीन है वहां पे पहला मैसेज क्या दिखना चाहिए आप सोच के देख एंटर अ नंबर बात ख़त्म यही लिखना पड़ेगा आसान है वैसे लिखता हूं यहां पे एंटर अ नंबर ठीक है उसके बाद लिखता हूं स्कैन एफ अब एंटर वर्ड आया प्रिंट एफ के अंदर तो अगली लाइन स्कैन एफ़ ही होनी चाहिए ये ऑलरेडी बता चुका हूं ताकि कीबोर्ड से यूज़र नंबर एंटर तो करे चलो कर लिया उसे एक्स में रखवा दो तो एक्स नाम की मेमोरी भी बनानी पड़ेगी तो बना लिया मैंने लूप लगाना है आई नाम की मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है बना लिया लगा दो लूप फॉर आई को दो से शुरू करो क्यों ताकि दो से डिवाइड करके चेक हो फिर तीन से हो फिर चार से फिर पाँच से ऐसे आय को ले जाओ कहाँ तक एक्स तक और आई प्लस इफ़ यदि अपना नंबर मॉड किया जाए दो से दो मत लिखो आय लिख दो पहली बार आय दो ही है तो आई लिखो अगर जीरो आया तो आप प्राइम बोल सकते हो क्या मतलब एक बार चेक किया प्राइम दो से चेक किया प्राइम ना मतलब आ, आ, ये प्राइम थोड़ी होगा एक बार अगर आपने चेक किया तो नॉट प्राइम तुरंत नहीं बोल सकते सॉरी कि ये प्राइम नहीं है एक बार में आपको सारे चेक करने पड़ेंगे ना सारे चेक करने पे ही कोई नंबर प्राइम होता है सिर्फ एक नंबर चेक कर लिया डिवाइड नहीं हुआ तो आप प्राइम थोड़ी बोलने वाले हो मान लेते हैं आपने सेवन एंटर किया सेवन मॉड टू जीरो होता है क्या नहीं तो आप यहां क्या लिखोगे इज प्राइम गलत है ये आप दो से चेक करके तय कैसे कर ले रहे हो कि वो प्राइम है नौ एंटर किया मान लो दो से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या प्राइम बोलेगा नौ प्राइम है तीन से तो होता है ना डिवाइड इसीलिए सबसे डिवाइड करके चेक कर लो जब किसी से डिवाइड ना हो बस तभी बोलो उसे प्राइम इसीलिए मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देता यदि एक्स मॉड आई करने पे ज़ीरो नहीं आया नहीं मुझे क्या लिखना चाहिए था कि एक्स मॉड आय नॉट इक्वल टू मैंने ज़ीरो लिखा हुआ है अच्छा अगर मान लेते हैं कि आपने इंटर किया नाइन नाइन मॉड आय करने पे ज़ीरो आता है क्या नहीं आता तो ये गलत है रुको इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और एक्स मॉड आय करने पे ज़ीरो आया तो आप बोल दो प्रिंट नॉट अब मैं इसे आपको समझाता हूँ देखो मुझे एक बात बताओ आप इसको हटा देता हूँ सब इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे। मैंने ये क्या है एक्स कितना मान लेते हैं नाइन आपने नाइन एंटर किया ठीक है और आय पहली बार कितना है टू क्या नाइन मॉड टू जीरो होता है तो अंदर का कोड चलेगा फिर आए बढ़ के कितना होगा थ्री क्या नाइन मॉड थ्री जीरो होता है हाँ तीन से डिवाइड हो जाता है नौ तो प्रिंट होगा नॉट प्राइम सही तो है नाइन कहां प्राइम है नॉट प्राइम ही है सही प्रिंट किया लेकिन जब सही हुआ तब जब डिवाइड हुआ तब और उसके बाद ब्रेक लिखना मत भूलना क्यों पता है नहीं तो अगली बार आए बढ़ के तीन होगा फिर चेक होगा चार होगा फिर चेक होगा पाँच होगा फिर चेक होगा छः होगा फिर चेक होगा नहीं करवाना जब आपको पता चल गया ना वो नंबर एक बार डिवाइड हो गया नॉट प्राइम बोल के ब्रेक लिख दो तो मैं यहाँ पे ब्रेक भी लिख देता हूँ और प्राइम कब होगा बोलो क्या लिखूँ अच्छा अगर आपने बोला इफ के साथ ही एल्स लिखा जाता है अलग से तो लिख नहीं सकते इफ के खत्म होते ही एल्स लिखते हैं चलो लिखा एल्स और यहां लिख दिया प्राइम जैसे आप बोल रहे हो कि यहां पे एल्स लिख दो और बोल दो प्राइम ठीक है मुझे एक बात बताओ पहली बार x में कितना है नौ ठीक है और i में कितना है दो क्या नाइन मॉड टू जीरो होता है होता है क्या नहीं तो एल्स चलेगा प्रिंट हो जाएगा प्राइम अगली बार i बढ़ के होगा थ्री फिर ये चलेगा क्या नाइन मॉड थ्री जीरो होता है हाँ नॉट प्राइम प्राइम फिर प्रिंट होगा नॉट प्राइम और उसके बाद ब्रेक होगा क्या ऐसा ही है मतलब जो नंबर डिवाइड नहीं हुआ वो प्राइम होता है क्या नहीं वो सबसे डिवाइड नहीं हुआ तब प्राइम होता है किसी एक से डिवाइड करके आपने चेक किया नहीं डिवाइड हुआ तो आप मान लोगे क्या प्राइम? ऐसा थोड़ी होता है अगर आपने एक जवाब नहीं दिया मुझे तो मैं आपको ऐसा थोड़ी बोल सकता आपको कुछ नहीं आता मैं आपसे और सवाल पूछूंगा और सवाल पूछूंगा और सवाल पूछूंगा सारे सवाल पूछ लूंगा जब मुझे लगेगा एक कभी जवाब इसको नहीं आया तब मैं बोलूंगा कि इसको कुछ नहीं आता अभी आप यही बोल रहे हो कि यदि आपको जवाब आता है वो वाली बात हो गई या तो नहीं आता है दोनों चीजें मैंने लिखी हुई है अगर डिवाइड हुआ तो नॉट प्राइम अगर एक बार भी आपने एक भी आंसर मुझे दे दिया पहले ही सवाल का तो मैं बोल दूंगा आपको आता है ब्रेक अब मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा यह सही है लेकिन एल्स लिखना गलत अगर आपने इसमें क्या होता है जब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो एल्स चलेगा जब इफ नहीं चलता तब एल्स चलता दोनों में से किसी को ना किसी को तो चलना ही है फिक्स इफ नहीं चला तो कौन चलता एल्स अगर कोई नंबर प्राइम नहीं तो प्राइम प्रिंट होगा जैसे कि कोई और नंबर ले लेता हूं फिफ्टीन क्या फिफ्टीन दो से डिवाइड होता है नहीं तो यह कोड नहीं चलेगा प्रिंट होगा प्राइम एल्स तो चलेगा ना प्राइम क्या कोई नंबर जीरो फिफ्टीन मॉड टू करने पे ज़ीरो आता है क्या नहीं एल्स चल जाएगा प्राइम प्रिंट होगा एक बार उसके बाद फिर ये तीन होगा दो के बाद तीन होगा क्या तीन से डिवाइड होता है हाँ जैसे ही होता है आपको पता चलेगा तो आप प्रिंट करोगे नॉट प्राइम लेकिन एक बार तो प्राइम प्रिंट हो गया है जैसे ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन भी दो से हो जाता है तीन से हो जाता है कौन सा नंबर है दो और तीन से नहीं होता फाइव तो किसी से नाइन दो और तीन से होता है टेन दो से हो जाता है इलेवन इन सेवन से हाँ लेकिन दो से भी होते ऐसे नंबर ज़रूर होंगे नाइन दो और तीन से लगभग बहुत सारे नंबर हो जाते हाँ ट्वेंटी फाइव तीन से नहीं होता गुड ट्वेंटी फाइव तो अगर मैं ट्वेंटी फाइव यहाँ एंटर करूँ तो मैं दो से चेक करूंगा ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करके होता है क्या डिवाइड नहीं तो ये वाला चलेगा प्राइम प्रिंट होगा ये तो गलत बात है आपने दो से डिवाइड करके कैसे चेक कर लिया और प्राइम है फिर आए बढ़ के हो जाएगा तीन क्या तीन से होता है नहीं फिर प्रिंट होगा प्राइम दूसरी बार फिर चार फिर से प्रिंट होगा प्राइम चार से भी डिवाइड नहीं होता फिर पाँच हाँ पाँच से होता लेकिन तीन बार प्राइम एक बार नॉट प्राइम ये कौन सा लॉजिक है आपका इसीलिए एल्स आएगा ही नहीं प्रोग्राम में तो इसलिए मैं एल्स को नहीं लिखूंगा मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं लिखूंगा एक बार डिवाइड करके आप तय नहीं कर सकते हो प्राइम है हाँ लेकिन एक बार कोई नंबर डिवाइड हो गया तो तय कर सकते हो कि वो नॉट प्राइम है नाइन है वो सिर्फ तीन से ही डिवाइड होता है ना दो से ना उसके बाद किसी से फिर भी हम बोलते हैं ये ना उसको नॉट प्राइम क्योंकि किसी से ना किसी से तो हुआ इसीलिए एल्स नहीं लिखेंगे हम हाँ अब मुझे आपसे जानना है ऐसा क्या लिखूं मैं एल्स को अलग से बाहर नहीं लिख सकते इफ के तुरंत बाद लिखना पड़ता है लेकिन ऐसा क्या लिखूं कि ये बताएगा प्राइम बोलो चलो बोलो हाँ क्या होगा क्या बोल रहे हो ये नहीं पूछ रहा हूं प्रोग्राम में ऐसा क्या लिखूं कि जिससे अगर मैं नंबर एंटर करूंगा सेवन तो बोलेगा प्राइम इलेवन एंटर करूंगा बोलेगा प्राइम अभी तो नॉट प्राइम वाला ही प्रोग्राम बना है मतलब मैं ऐसे नंबर से एंटर करूंगा जो प्राइम नहीं है सिर्फ वही बताएगा जैसे कि सिक्स बता रहा है नॉट प्राइम नाइन बताएगा नॉट प्राइम दिखाता हूँ रुको कहाँ गया एफ नाइन दबाया नाइन नॉट प्राइम लेकिन जो प्राइम है ये वो नहीं बताएगा जैसे कि उसका तो मैंने कोई कोड ही नहीं लिखा हुआ सेवन कहा गया की बोर्ड पर है ना बटन अच्छा एफ नाइन नहीं दबाया सेवन देखो कुछ नहीं बोल रहा मैं यही जानना चाहता हूँ क्या लिखू ऐसा कि ये बोलेगा प्राइम आपके पास क्या आइडिया है मैं वो आइडिया आपसे जानना चाहता कोई तो आइडिया होगा आपके पास आप बोल रहे हो फॉर लूप के बाहर वही तो पूछ रहा हूँ क्या लिखू बा लिखेंगे लेकिन क्या ये मैं जानना चाहता हूँ आप बोलो तुमको तो आना चाहिए बताओ तो मुझे एक बात बताओ ये आय है आय कहाँ से शुरू कर रहे हो दो से आय को कहाँ तक ले जाना चाहते हो X तक चाहे एक सात हो ग्यारह हो तेरह हो चलो तेरह है X तो आप सबसे पहले तेरह को दो से डिवाइड करोगे नहीं हुआ तो आप इसको तीन बनाओगे आय को फिर डिवाइड करके चेक करोगे फिर चार बनाओगे डिवाइड करके चेक करोगे पाँच बनाओगे डिवाइड करके चेक करोगे छः बनाओगे डिवाइड करोगे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नहीं हुआ आय खुश है कि उसे बढ़ने का मौका मिल रहा है डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए बढ़ने का मौका मिल रहा है डिवाइड हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा ब्रेक लिखा है ना इधर यहाँ लिखना पड़ेगा इफ़ अगर डायरेक्ट प्राइम लिख दोगे तो नॉट प्राइम के बाद जब हम लूप के बाहर आएंगे तो भी प्राइम प्रिंट होगा ही हम लिखेंगे इफ़ यदि आय बराबर हो गया एक्स के अगर बढ़ते 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 आय के बराबर हो गया मतलब किसी से डिवाइड नहीं हुआ तब बोल देंगे इट इज़ प्राइम क्योंकि जब आय मान लेते हैं नौ है तो आय दो हुआ चेक हुआ आय तीन हुआ चेक हुआ डिवाइड हो गया नॉट प्राइम ब्रेक आय को बढ़ने का मौका ही नहीं मिला दो हुआ था तीन हुआ था ब्रेक हो गया आय हुआ क्या नौ नाइन हुआ नहीं तो वो एक्स के बराबर पहुंचा क्या आए नहीं यहां लिखा है जब एक्स के बराबर आय आ जाए जब आय एक्स के बराबर हो जाए तो समझ लो वो किसी से डिवाइड नहीं हुआ तभी तो हुआ ना उतना तब बोल देना है प्राइम बस ये लाइन लिखनी है और कुछ इतना सिंपल सा कोड है ये प्राइम नंबर का लॉजिक है देखो लिखता हूँ इफ़ यदि क्या लिखूँ आय बराबर हो जाए एक्स के क्योंकि जब नौ है आ, मान लेते हैं सेवन है आए दो से डिवाइड होगा तीन से चार से पाँच से छः से हुआ सात हुआ तो लूप के बाहर आ गए सात से डिवाइड करके चेक नहीं करेगा यहाँ लिखा हुआ है जब तक आए छोटा है सात से अगर एक्स सेवन है तो दो छोटा है बराबर चलेगा तीन छोटा है तो भी चलेगा चार छोटा है चलेगा पाँच छोटा है चलेगा छः छोटा है चलेगा जैसे ही सात हुआ क्या सात छोटा है एक से नहीं तो लूप के बाहर आ जाओगे सात हुआ कि नहीं आए आय हो जाता है उतना बस उसके बाद चलाया नहीं जाता अंदर नहीं आते यहां लिखा अंदर कब आओगे जब तक तुम छोटे हो बराबर हो गए तो तुम नहीं चलोगे अंदर नहीं आओगे तो बाहर चला गया तो हाँ जब बराबर हो गए तो क्या तब प्राइम यही चीज मुझे आपको समझानी है बस हाँ ब्रेक।, ब्रेक सिर्फ लूप के बाहर लाता है कोई भी लूप हो उसके आपने ये इफ के बाहर नहीं ये इफ के लिए ब्रेक नहीं है ये फॉर का ब्रेक है ब्रेक सिर्फ लूप्स में काम जैसे स्विच केस जैसे वाइल लूप जैसे फॉर लूप अगर आपने लिखा है तो आप इस फॉर लूप के बाहर आ जाओगे डायरेक्ट चौदह नंबर की लाइन पे ये याद रखो ओके अब इसके बाद की बात क्या है रन करा के देख लेते हैं अब मैं एंटर करता हूं सेवन देखते हैं क्या होता किया हाँ हो रहा है मैं वन जीरो डबल वन मेरे मुंह से निकला था मैं चेक करना चाहता वन जीरो डबल वन नाट प्राइम मतलब ये किसी से डिवाइड होता है होता होगा किसी से हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा दो से करेंगे तीन से चार से ऐसे कोई नंबर तो ज़रूर होंगे छोटे नंबर ही मिल जाते हैं अपने को बड़े तक ज़्यादा जाना नहीं पड़ता कभी कभी होता है कि ऐसे नंबर्स हैं बड़े बड़े जो छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होते होते हैं तो ये हो गया प्रोग्राम है इसे लिख लो जल्दी से पहले फिर मैं और आगे आऊँगा मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर आऊँगा पहले इसको लिख तो लो हुआ बताओ अब आगे का सवाल ये है मेरा आपसे कि मुझे पहले सौ प्राइम नंबर्स प्रिंट कराना बोलो जल्दी सवाल ये है मुझे ना सौ प्राइम नंबर्स प्रिंट कराना सौ अभी क्या सवाल था कि हम नंबर इंटर करते हैं ये बताता है प्राइम है या नहीं कौन बताता है ये कितना कोड है जो बताता है प्राइम है या नहीं यहां से लेकर ये इतना ये मशीन जैसा है इसको दिया एक्स की मदद से देता है ना ये बता देता है कि अब देने वाला एक ही आदमी है वो एक ही नंबर दे रहा है अब देने वाला सौ नंबर इसको दे तो ये सौ के सौ नंबर के बारे में बताएगा प्राइम है या नहीं है ये मशीन है लेकिन हाँ लगाएंगे लूप भी लगाएंगे दूसरी चीज बात ये है कि आ, प्राइम वाले ही बताने हैं ना नॉट प्राइम वाले तो बताने नहीं हैं तो क्यों ना इस लाइन को कमेंट दे दो मतलब प्रिंट ना हो बस नॉट प्राइम वर्ड प्रिंट नहीं होगा बस बाकी तो एज इट इज रखा हुआ है मतलब मैं अगर कोई नंबर अभी एंटर करूँगा प्राइम होगा तो ही ये बोलेगा प्राइम प्राइम नहीं होगा तो ये कुछ नहीं बोलेगा देखे प्राइम बोला लेकिन प्राइम नहीं होता तो ये कुछ नहीं बोलता क्योंकि आपने वो लाइन हटा दी ना कौन सी नॉट प्राइम वाली लाइन हटा दी है तो कैसे बोलेगा वो अगर आपने 18 एंटर किया तो कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि आपने वो लाइन लिखी ही नहीं है चल रही है वो लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा मतलब सिर्फ प्राइम वाले ही रिजल्ट बताएगा लेकिन ये प्राइम वर्ड ना बताए वही नंबर वापिस बता दे वो नंबर कौन सा है परसेंट डी कॉमा आ एक्स एक्स बस अभी रन करूं देखते हैं सेवन एंटर करने पे क्या ये सेवन ही बताएगा क्या वापस देखता हूं हाँ रुको अगर मैं टेन एंटर करूं तो टेन बताएगा क्या टेन एंटर करूं तो टेन बताएगा क्या नहीं कुछ नहीं बताएगा क्योंकि टेन प्राइम थोड़ी है आपने प्राइम के अंदर लिखा है ना प्रिंटिंग यहां लिखा है ये आया समझ में अब ये एक मशीन है जो आपकी तैयार हो चुकी कहां से लेके कहां तक जनरेट करके देती है प्राइम नंबर कौन सी इस मशीन को हटा दू हटा दिया अब यूजर से मत एंटर करवाओ फॉर लूप को बोलो तुम एक एक करके दे डेटा दे दे उस मशीन को देते रहो मैं फॉर लूप को बोलने जा रहा हूँ इंट के नाम की एक मेमोरी को पहले बना लेता हूँ के और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर के को वन से शुरू करो के को सौ तक ले जाओ K प्लस प्लस मतलब अब ये K पहली बार वन है वो मशीन को देगा फिर टू जब होगा फिर मशीन को देगा फिर थ्री फिर मशीन अब आप आपको देने की जरूरत नहीं तो वही मशीन अंदर डाल देता हूं कुछ भी नहीं किया मैंने आपके सामने अब रन करता हूं प्रोग्राम सेव किया है इसे मैं रन करा के देखना चाहता हूं क्या होता है थोड़ा स्लो चलता है देखते हैं क्या आता है आएगा नहीं आया कुछ भी मैंने आए जब वन हाँ मेरे से गलती हुई है आप पिछली बार दे इसको रहे थे एक्स को तो यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स लिखो ना एक्स में पहली बार वन एक्स एक्स के बनाओ ही एक्स लिख दो अब देखते हैं एफ नाइन अब दबाता हूँ ये देख सकते हो एक से लेके सौ तक के सारे नंबर्स प्रिंट हुए और मैंने YouTube पे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको प्राइम नंबर बताना है थ्री से लेके एटी नाइन तक के सारे ये तो आप बता सकते हो कैसे बता सकते हो बताओ आप बोलोगे x इक्वल टू वन है तो थ्री लिख दो थ्री से बोला या नाइन से मुझे याद नहीं है जो भी बोला होगा नाइन बोला होगा तो नाइन से लेके कहाँ तक बोला है जो भी होगा एट्टी बस उसके बीच के सारे दिखाई देंगे लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद मैंने ये भी बोला है ये जो बीच के दो है ना इनकी एडिशन प्रिंट करानी है मैंने ये भी बोला है तो आप ढूंढो इंटरनेट पे ऐसे प्रोग्राम्स जनरली ऐसे प्रोग्राम्स बहुत बनते हैं एक से एक मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं कहीं भी नहीं कोई सॉफ्टवेयर अगर है जो आपको बताता है प्रोग्राम आप वहाँ डाल देते हो तो दे देता है वो भी नहीं बता पाएगा ऐसे भी क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते आप अपने मन से सोच के बनते हैं ना प्रोग्राम तो आगे के प्रोग्राम्स वैसे ही होने वाला हाँ अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज आती तो आएगा ऐसे पहला तो बहुत इजी प्रोग्राम था ये तो ठीक है कि एक बार आपको और ऐसे टफ होते नहीं है कोई प्रोग्राम आपको आता नहीं आपने पढ़ा नहीं है इसलिए टफ लगता है अभी पढ़ा दिया आपको इतना टफ़ नहीं लगेगा ये जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है अभी आसान लगेगा लेकिन अभी इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमें मैं ना पूरा नहीं पढ़ाऊँगा क्यों क्योंकि अभी वो 21 तारीख तक नहीं 21 तारीख को मैं पढ़ाऊंगा आइडिया दे देता हूँ आपको इस प्रोग्राम में अब करना क्या है कि बीच के दो ऐड करने हैं बराबर बीच के दो ऐड करने के लिए रुको पहली बात तो अगर हम गिन लिए होते टोटल कितने नंबर्स हैं तो अच्छा होता मतलब अभी ये जब प्रिंट हो रहा है कितने है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह मतलब बीच में नौ आता है तो आठ और नौ को भी ऐड कर सकते हो नौ और दस को भी कर सकते हो क्योंकि मिडल नहीं मिलता ना ऑड नंबर्स में मिडल मिल जाता है अब इसमें ठीक है कोई भी दो ले सकते हो बीच का पहले वाला एक और बीच का या फिर बीच का और या उसके आगे वाला चलता है आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं चलो मान लेते हैं ये दोनों मिडल है लेकिन आपने गिना गिनने के लिए कोई कोड लिखो गिन लो आप चाहो तो कोई और एक मेमोरी बना सकते हो काउंटिंग के लिए सी नाम की उसमें रख सकते हो जीरो जब जब प्रिंटिंग होगी सी को बढ़ाया जाए अगर दस नंबर प्रिंट होंगे तो सी के अंदर दस आ जाएगा ये एक मेमोरी बना सकते हो आप ना दस बार अगर प्रिंट होगा वो नंबर तो सी के अंदर भी तो दस आएगा जीरो से वन वन से टू सी में जीरो है ना ऊपर मतलब अगर अभी इसका देखते हैं हाँ लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगा प्रिंट करा लू क्या लूप के बाहर यहां पे प्रिंट प्रिंटर प्रिंट करा लेते हैं किसको सी को टोटल नंबर्स आर परसेंट सी क्यों लिख रहा हूँ परसेंट डी कॉमा सी आएगा मेमोरी का नाम सी है अब देखते हैं एक बार इसको चला के टोटल नंबर्स आर एटीन देखे गिन लिया उसने अब ऐसे आप सोचो अभी मैं बोलने लगूंगा तो वो रिजल्ट ही आ जाएगा तो आप ट्राई करो इसे आप कहाँ रखवा सकते हो सारे नंबर्स को एक एक करके सोचो किसी जगह पे रखवा सकते हो फिर उसके बाद वहां तक पहुंच के फिर उसको एड बनेगा प्रोग्राम बहुत टफ नहीं आप ट्राई करो खुद से सीखने को आपको मिलना चाहिए खाली ठीक है लिख लो ये वाला जो कोड अभी बताया